में लोग बोलेंगे उस सब को इकट्ठा करके एक भाषा में भंडार बनाएंगे। कौन सा भाषा में करें इस पर बड़ी शोध हुई, क्योंकि जो लिपि है अंग्रेजी की वो ठीक से नहीं है, पीयूटी पुट है, बीयूटी बट है, तो एक ही श्रेणी और लिपि में से जो ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि आती है उससे यानी बदलते रहती है, और जो शब्द हैं उनके अर्थ हैं ये इसमें पढ़ने से दिखता नहीं है। तो शोध करने के बाद 20 साल के बाद कि क्या एक नया भाषा उत्पन्न करें, नासा ने उनका जर्नल है जो आप गूगल में जाकर निकाल सकते हैं, जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टर रिक ब्रिक्स की लेख है, कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है नया भाषा पैदा करने के लिए, ज्ञान का भंडार पैदा करने के लिए संस्कृत पर्याप्त है। और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंटशिप छोड़ने के पहले उसने आखिरी जो ऑर्डर निकाली कि जो भी अमेरिका में कॉलेज संस्कृत पढ़ाएगा उसको स्पेशल फेडरल ग्रांट प्राप्त हो सकता है। हमारे देश में आप लोग ये संस्कृत पढ़ो तो नहीं, कम्युनल आदमी है क्या बोलता है, परंतु ये सारे देख रहे हैं, योगा हो प्राणायाम हो, ये सारी ज्ञान है यहाँ, और हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको पैदा करके बता के गए थे, उसको दोबारा लानी है, उसको आधुनिकरण करनी है, उसमें पुनरुत्थान लानी है, ये करनी है। वैसे ही हम देखेंगे हमारी प्राचीन देश में भ्रष्टाचार था ही नहीं, 600 साल 700 साल पहले इतने बाहर से लोग आए, चाइना से तो लोग 2000 साल के पहले आए थे, फासियन तो 1600 साल पहले आए थे, और फासियन आए, युआन चोंग आए चाइना से, वास्को डा गामा आए अमेरिका से, मार्क ट्वेन आए, जिन सब लोगों ने पुस्तक लिखी, और पुस्तकों में एक बात कॉमन है वो है कि हिंदुस्तानी जैसे निष्कपट यानी ईमानदार हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, हमारे देश में नहीं देखा। हमारे देश में जाने के पहले बड़े ताला लगा के जाते हैं बाहर घर पर, परंतु हिंदुस्तान में कोई ताला नहीं लगाता। हम सामान छोड़ दें किसी के घर में तो हमें खोजते आते हैं और सामान वापिस करते हैं। ये थी हमारी देश, और उसके पीछे भी संस्कृति थी, मैं बताऊंगा बाद में, आखिर में मैं बताऊंगा कि क्या संस्कृति है जो भ्रष्टाचार को मिटा सकती है। तो ये देश धीरे धीरे बदल गई, और खास तौर पर आजादी के आंदोलन में तो भ्रष्टाचार को बहुत कम कर दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन 1947 में जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, उन्होंने सोवियत रूस की गलती नकल की हमारे देश में, उन्होंने सोवियत इकोनॉमिक मॉडल लाई, वो हमारे लिए तो उपयुक्त नहीं था, वो मॉडल के अनुसार कृषि से साधन उपयोग प्राप्त करना चाहिए और उसको हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाना चाहिए, और निर्यात आयात नहीं करनी चाहिए, लोग सब सरकार के कर्मचारी बनना चाहिए, और उन्होंने लाइसेंस और कोटा की सिस्टम शुरू की, और उस कारण से भ्रष्टाचार दोबारा बड़ी तेजी से पैदा हुई, ब्लैक मार्केट शुरू हुए, कोटा लाइसेंस में मिनिस्टर को देना लेना, इस तरीके से प्रणाली बनते गई। कोई सोवियत यूनियन में यानी सोवियत मॉडल सोवियत यूनियन के लिए ठीक थी ये भी नहीं कह सकते, बड़ी प्रोपेगेंडा तो हुई थी। मुझे वो याद है कि कम्युनिस्ट का लीडर ईमस नमोद्रीपाद मुझे एक दिन कहा जब अमेरिका में कोई क्राइसिस चल रही थी, देखा अमेरिका में क्या हो रहा है, सोवियत यूनियन में, मैंने पूछा क्या हो रहा, फिर तो उन्होंने कहा सोवियत यूनियन वो तो स्वर्ग है, वहां ना
मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन नहीं है, सोवियत यूनियन में पावर्टी नहीं है, गरीबी नहीं है, सोवियत यूनियन में बेरोजगारी नहीं है। किसी को पता नहीं था असलियत, पर तो उन्होंने प्रचार किया। 1991 अगस्त में मैंने नम्रुद्री पाद को मिलकर कहा, अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है, 16 देश में बट गया है, अब कोई सोवियत यूनियन नहीं है, अब तो रशिया है, उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, सब बट गए। और अब लोगों को पता लगता है जर्मनी एक देश था, उसको महायुद्ध में नष्ट हुआ, उसकी बंटवारा हुई, एक बना वेस्ट जर्मनी, दूसरा बना ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी ने लोकतंत्र और मार्केट प्रणाली स्वीकार किया और ईस्ट जर्मनी सोवियत के दबाव में सोवियत मॉडल लागू की। और जब 1990 में दोनों एक हुए तब लोगों को पता लगा कितना फर्क है। आज भी जाएंगे जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा कितना फर्क है। वेस्ट जर्मनी बहुत आगे बढ़ गया, दोनों बराबर नष्ट हुए थे महायुद्ध में, आगे बढ़ गया। ईस्ट जर्मनी में जिस जो हिस्सा आज ईस्ट जर्मनी कहा जाता है उसमें कितनी गरीबी है देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले, चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, इंडिया का भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के पहले और उसके बाद। तो ये सोवियत मॉडल हमारे देश में भ्रष्टाचार का पहले बीज बोया था इन्हीं द्वारा। और जिन कारणों से इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद भ्रष्टाचार इतनी बड़े पैमाने पर हो गई, उसके बारे भी हम इसीलिए कहते हैं कि वह शुरू हुई। और जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% पर ईयर जीडीपी से 10%, 9%, 8% ऐसे होने लगी तो ज्यादा पैसा मिलने लगा और संस्कृति तो चलती आई। अरे ऊपर लेवल पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, परंतु जहां तक ऑक्ट्रॉय का सवाल है, जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है, जहां तक जमीन बेचना देना का सवाल, उसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आई है। तो भ्रष्टाचार आज इतने बढ़ते बढ़ते आज ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स एक बनी है दुनिया में। उन्होंने 140 देशों के रैंक किया है, जो सबसे शुद्ध देश है उसको न्यूजीलैंड मानते हैं वो इंडेक्स के अनुसार। अमेरिका का पोजीशन 20वां है, इंडिया का पोजीशन 90 है, 5 साल पहले 75 था, अब और नीचे गिर गया है और कहते हैं 100 हो जाएगा जिस तरीके से हम गिर रहे हैं। इतनी भ्रष्ट देश, तो इसीलिए आज हमें यह सोचना चाहिए कि यह भ्रष्टाचार क्या है और क्यों बुरा है और इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भ्रष्टाचार सब कुछ नहीं होता है। मुझे याद है कि वो कांग्रेस का एक पदाधिकारी है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि रामदेव, बाबा रामदेव भ्रष्ट हैं क्योंकि वो काला यानी कैश में डोनेशन देते हैं। अब मैं भ्रष्ट हूं, मेरे पॉकेट में रुपए हैं और मैं टैक्सी में बैठ के जाता हूं और किराए में कैश में टैक्सी ड्राइवर को देता हूं, तो टैक्सी ड्राइवर भी भ्रष्ट हो जाता है। तो ये दुनिया भर की बातों को आज भ्रष्टाचार में बोल देते हैं। भ्रष्टाचार आज मैं कहता हूं उसकी परिभाषा सीमित होनी चाहिए, वो ये है जब सार्वजनिक पद का दुरुपयोग होता है और जो मेरिट के आधार पर मिलनी नहीं चाहिए उनको मिलती है और जिनको मेरिट में मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं, वो है भ्रष्टाचार। और ये हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनी है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उसने सारा विवरण दिया कि सार्वजनिक पब्लिक ऑफिस जिसके लिए आप मनोनीत होते हैं या चुनकर आते हैं उसका दुरुपयोग जब आप करते हैं उस पद का, कि जिसको मिलना नहीं चाहिए उसको मिलता है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और उसमें पैसा का लेन देन है तो वो भ्रष्टाचार है। पैसा का लेन देन ना भी हो,
लेकिन जिसको आपने मेरिट के बाहर दिया है उसका फायदा होगा, वो भी भ्रष्टाचार परिभाषा में है। तो ये जैसे आज कोई मिनिस्टर है वो सड़क बनाने के लिए टेंडर निकालता है, जैसे यूपी बिहार में बहुत होता है, और टेंडर का टर्म्स ऐसे बना देते हैं कि जिसको मिलना नहीं चाहिए उसको मिल जाती है, वो पैसा दे देता है, और उसको टेंडर मिलने के बाद वो पैसा जो दिया है मिनिस्टर को उसको वसूल करना है, तो वो क्या करता है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा देता है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल जैसे पत्थर की जगह में मिट्टी डाल देता है, तो एक सड़क बनने के बाद एक बारिश होती है तो सड़क खत्म, मिनिस्टर खुश और कॉन्ट्रैक्टर भी खुश क्योंकि अगले साल नया टेंडर निकालेंगे सड़क फिर बनाने के लिए। कभी अपनी बुद्धि से होशियारी से ऐसा आप करते हैं, जैसे एक बार अकाल थी एक देश में, हमारे देश में, तो एक कलेक्टर ने कहा कि इसमें पैसा कमाना है कैसा कमाए, तो सरकार को चिट्ठी लिखी, उन्होंने फाइल भेजी कि यहाँ अकाल है, यहाँ लोगों के पास पानी नहीं है, इसीलिए मुझे कुआं यानी वेल्स कुआं को खोदना है और इसमें मुझे 300 करोड़ रुपए लगेंगे, 1000 कुओं को मैं खोदूंगा। तो वो गवर्नमेंट बहुत बड़ी प्रसन्न होकर उनको 300 करोड़ रुपया भेजा, और 300 करोड़ रुपए में लेने के बाद उसने सारा पॉकेट में डाल ली और फाइल में लिख दिया कि मैंने यहाँ 1000 कुओं की मैंने व्यवस्था की है। 3 साल के बाद इसकी ट्रांसफर हो गई, नया कलेक्टर आया, उसने फाइल खोल कर देखा क्या काम हुआ है, देखा कि 1000 कुएं खोदे गए पर इंस्पेक्शन में देखा कि एक भी कुआं नहीं है, तो उसको समझ में आ गई, तो उसने फाइल भेजा सरकार को कि मेरे पहले जो कलेक्टर थे बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने 1000 कुआं खोद की अकाल के टाइम पर, बड़ी पब्लिक की सेवा हुई, लेकिन अब अकाल नहीं है और इस कुआं में पानी में मच्छर पैदा हो गए लगे हैं, तो मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए इसको सबको बंद करने के लिए। तो उसको 100 करोड़ रुपया भेजा गया कि कुओं को सब बंद कर दो, ये तो स्वास्थ्य की खतरा हो गया, तो मामला खत्म, किसी को पता ही नहीं लगा। मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जब मैं मिनिस्टर था, एक करप्ट मिनिस्टर थे, उनका कैसा भ्रष्टाचार होता था मुझे ऑफिसर ने समझाया। किसी ने कुछ मांगा गवर्नमेंट से, मंत्री के पास आया और सेक्रेटरी ने नोट तैयार किया कि क्या करना चाहिए, तो उसने लिख दिया उसमें नॉट अप्रूव्ड, तो सेक्रेटरी ने उस फाइल को लेकर दिखाया और सेठ को कि भाई देखो उसने लिख दिया नॉट अप्रूव्ड, अरे क्या मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा 4-5 करोड़ रुपए दे दो और हम इसको बदल देंगे। तो फिर उसने दिया पैसा, तो सेक्रेटरी गया वापस मंत्री के पास, फाइल रखा 5 करोड़ रुपए भी रखा, तो मंत्री ने जहां लिखा है NOT नॉट उसके आगे लिख दिया एक ई डाल दिया नॉट अप्रूव्ड, तो नॉट अप्रूव्ड से नॉट अप्रूव्ड हो गए, वो एक फाइल में बदल की जरूरत है। तो हमारे लोग इतने बुद्धिमान है कि आप भ्रष्टाचार के लिए वातावरण होगी तो लोग दुनिया भर के रास्ता ढूंढ लेंगे, इसीलिए पहला आवश्यकता है हमारे देश में कि वातावरण होनी चाहिए नो करप्शन। जैसे लोग चुनाव सिर्फ भ्रष्टाचार के इश्यू पर हारने लगते हैं तो भी बदल जाएगा मंशा। तो पहले यही मैं कहता हूं कि ये साफ होनी चाहिए आपके दिमाग में कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे देश में जब पद सार्वजनिक पद का दुरुपयोग होता है, लोग कहते हैं छोटी जगह में हम परेशान होते हैं उसको पहले खत्म होना, नहीं, ऊपर ठीक हो जाएगा तो नीचे ठीक हो जाएगा, नीचे से ऊपर ठीक नहीं हो सकता। सो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी सारी ध्यान आज उस पर केंद्रित होना चाहिए जो सार्वजनिक पद में बैठे हैं उनको पकड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। राजा का भी यही मामला है जो 2G है। 2G क्या है, लोग पूछते हैं मुझसे 2G क्या है, किसी ने मनमोहन सिंह को पूछा 2G क्या है तो उन्होंने कहा मां सोनिया जी और राहुल जी।
ये जो जी है ये गांधी नहीं, ये जेनरेशन माने पीढ़ी। पहला पीढ़ी था जब कॉर्डलेस फोन आया, उस कॉर्डलेस फोन को उन्होंने उठा के तार वार नहीं है, डायल करो घंटी बजती थी दूसरी तरफ और वहां आपसे बातचीत हो सकती थी। उसके जो एयरवेव्स थी वो लंबे साइकिल में जाती थी ऐसा। फिर आया 2G जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, क्योंकि 1G में आप सिर्फ आप बातचीत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 2G में आप ईमेल भी भेज सकते हो, SMS भी भेज सकते हो, चित्र भी भेज सकते हो। तो इसीलिए इसको दूसरा पीढ़ी माने टू सेकंड जनरेशन कहते हैं। उसका जो वेव है वो थोड़ा ज्यादा साइकिल्स में जाती है। अब 3G भी आ गए, क्या फोन उठाओ डायल करो दूसरी तरफ वो जो उठाता है उसको देख सकते हैं, वो आपको देख सकता है। फिर अब 4G आएगी, 5G आएगी और सब में जहां जितने साइकिल्स बढ़ते हैं उतना इंफॉर्मेशन अतिरिक्त भेज सकते हो। और ये आसमान में आपको टक्कर ना हो ये वेव्स की, इसके लिए आप लेंथ बनाते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसके लिए डिफेंस के लिए भी स्पेक्ट्रम चाहिए। तो ये सीमित है, इसको सही प्रकार से लोगों को देना चाहिए जो जो सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये 2G के मामले में जब 2001 में पहला पॉलिसी बनी थी तब हमारे देश में सिर्फ 40 लाख मोबाइल फोन्स थे। आज हमारे देश में यानी 2008 में 70 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं। लगभग एक औसत में एक व्यक्ति के पास एक, थोड़ा कम उससे पर लगभग। तो इतनी बड़ी डिमांड है तो नेचुरली स्पेक्ट्रम का दाम भी बढ़ जाता है। 2001 के दाम पर जब एनडीए सरकार थी उन्होंने नीलाम किया था, तो नीलाम करके उन्होंने 1650 करोड़ रुपए का दाम मार्केट का देखा, देने वाले लोगों की और देने की स्थिति में होने के दोनों की मुकाबले में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस बनी 1650 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज़। अब इस दाम 2008 में 10 गुना बढ़ गए थे, 16000 हो गए थे। लेकिन राजा ने तय किया कि नहीं, हम इसको 2001 के दाम पर ही बेचेंगे, क्योंकि लोगों को ये महंगाई से त्रस्त आए तो इसलिए हम उसको 2001 के दाम पर ही देंगे। फिर तो केरोसिन और पेट्रोल भी 2001 के दाम में दे दो, सिर्फ स्पेक्ट्रम क्यों लेना है। लेकिन ये इन्होंने जबरदस्ती की और तय किया और उसमें मारामारी हुई और उसमें से उसने ऐसे लोगों को चुना, ऐसे ऐसे हास्यास्पद कंडीशंस लागी डाली उन्होंने। 10 जनवरी 2008 में उसने एक प्रेस रिलीज उठा निकाला कि जो भी लाइसेंस जिस किसको भी चाहिए, एप्लीकेशन तो आ गए थे 575 एप्लीकेशन आ गए थे, तो उनका जो भी जिन्होंने भी अप्लाई किया उनको लाइसेंस के लिए आज माने जिस दिन सुबह उन्होंने लाइसेंस से प्रेस रिलीज निकाली वो भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में, आज 3:30 बजे और 4:30 बजे दोपहर के बीच में, इस एक घंटे के बीच में। और ये प्रेस रिलीज कब निकाली उसने, 2:45 को निकाली थी। आज 3:30 बजे से 4:30 बजे तक जो भी डिमांड ड्राफ्ट 1650 करोड़ के लाएंगे उसके लिए हम लाइसेंस देंगे। अब आप बताइए कि डिमांड ड्राफ्ट आपको एक करोड़ रुपए के लिए भी इतना जल्दी मिल सकता है? और तो पहले से चंद्र लोगों को बता के रखा था। तो उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके आए थे और वो घुसे, उनको लाइसेंस मिली। उसमें दो कंपनीज थे जो टेलीकॉम कंपनीज भी नहीं थे, एक का नाम स्वान दूसरे नाम यूनिटेक, ये दोनों कंपनी रियल एस्टेट के कंपनी थे। इन
इनके पास ना टावर थी ना इक्विपमेंट थी ना कुछ थी, तो इन लोगों को लाइसेंस मिली इस तरीके से। और फिर इन लोगों ने, जिन लोगों ने लाइसेंस लिया उसमें उन्होंने टाटा को भी दिया था और वोडाफोन वोडाफोन को दिया था और ये वीडियो कॉल को भी दिया था, आइडियाज को भी दिया था, कई लोगों को दिया था, लगभग 9 कंपनीज को दी थी लाइसेंस जो पहले से तैयार आए हुए थे। और जो स्वान और ये यूनिटेक कंपनी जो रियल एस्टेट कंपनी थे, उनको लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने 2 कंपनी को बेच दी, विदेशी कंपनी को मिलते ही। और कितने दाम, किस दाम पर बेचे? 8 गुना दाम पर बेचा। तो इसके माने मार्केट प्राइस तो कम से कम 8 गुना ज्यादा था, वास्तव में 10 गुना ज्यादा था। और टाटा ने डोकोमो को बेचा 13 गुना ज्यादा था। एक कंपनी एस्टेल ने रशियन कंपनी को 20 गुना ज्यादा दाम पर बेचा। अब देखिए, यदि सरकार नीलाम करती तो कितना रेवेन्यू मिलती है अतिरिक्त। सीएजी ने यानी कुल मिलाकर के जो सस्ते दाम पर बेचा तो कुल मिलाकर रेवेन्यू मिली 14,000 करोड़ रुपए। तो इसको 8 गुना करोगे ही तो 1,12,000 करोड़ हो जाता है, और 10 गुना करोगे तो 1,40,000 करोड़ हो जाती है। और यदि टाटा के रेट पर करते हो तो 2,002,00,000 करोड़ हो जाते हैं। और एस्टेल के इसमें करोगे तो 28,000 करोड़, 2,80,000 करोड़ हो जाते हैं। तो इसलिए सीएजी का एक सबसे न्यूनतम अनुमान थी 1,76,000 करोड़ अतिरिक्त मिल सकती थी। उसमें बड़ी हंसी मजाक होती है, प्रिंसिपल कहते हैं आओ कुछ नहीं हुआ, जीरो हुआ, जीरो लॉस हुआ। मैंने कैलकुलेट किया है कि लॉस जीरो है। लोग सब कपिल सिब्बल को गाली देने लगे। मैंने कहा बेचारा वो जीरो से ज्यादा गिन भी नहीं सकता है, सीमित पढ़ाई है। तो इसीलिए ये हुआ और ये कंपनीज बड़े खुश, कुछ भी नहीं किया इतना कमा लिया। तो उन्होंने सबने थोड़ा रिश्वत, कुल मिलाकर के 60,000 करोड़ की रिश्वत दी, 60,000 करोड़। अब राजा 60,000 करोड़ तो सारा अपने आप तो रख नहीं सकता, उसके रहनुमा थे, देखभाल करने वाले हैं। और इसीलिए उसको हिम्मत हुई प्रधानमंत्री को कहने के लिए, माइंड योर बिजनेस। प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिख दी कि इंतजाम करने के बाद ही सोचो। उन्होंने कहा नहीं सोचूंगा, कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसको निकाल देता, और इससे और कौन अच्छा होगा। कांग्रेस में तो ऐसे ही है सब लोग, रीढ़ की हड्डी है तो कांग्रेस में मत जाना। तो ये तो इसने बांटना था, उसने बांटा अपने के लिए सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए रखा। आजकल 4,000 करोड़ क्या होता है। चिदंबरम को 5,000 करोड़ दिया। मैंने कहा ये चिदंबरम कहां से आ गया। फिर देखा करुणानिधि को उसने 15,000 करोड़ दिया। मैंने कहा वो तो समझ सकता हूं क्योंकि करुणानिधि उसके पार्टी के अध्यक्ष हैं राजा के, और उसके 3 बीवियां हैं तो थोड़ा ज्यादा नहीं पड़ेगा। सोनिया गांधी को 36,000 करोड़, तो बारी आएगी उसकी। तो मैंने सोचने लगा ये चिदंबरम कैसे आ गया। तो फिर मैं खोजते खोजते देखा कि एनडीए सरकार के समय पर एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास हुई कि ये स्पेक्ट्रम का दाम का मामला बड़ा यानी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए कैबिनेट में इसकी जरूरत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, 2 मंत्री इसको तय कर लें, एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा
टेलीकॉम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि रेवेन्यू का सवाल है तो उसको होना चाहिए, और टेलीकॉम मिनिस्टर, ये दोनों को अधिकृत किया था कैबिनेट रेजोल्यूशन। तब मैं खोजने लगा कि चिदंबरम का कोई ना कहीं कागज में कहीं दस्तखत से तो होगा ही, ढूंढने लगा। राजा को तो हमने अंदर कर दिया था प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में उसमें नियम है कि मिनिस्टर के ऊपर केस डालना है तो फिर प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होगी, प्रधानमंत्री के ऊपर केस डालना है तो राष्ट्रपति के ऊपर से अनुमति लेनी होगी। तो प्रधानमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा, बेचारे क्या कर सकता है, जवाब नहीं दिया, दूसरा भेजा और मसाला भेज करके पांच चिट्ठी भेजे। फिर मैंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, डेढ़ साल चले गए इसी में। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, डॉक्टर अम्बेडकर इतने होशियार थे कि उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दो धाराएं रखी हैं जो दुनिया में बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी, वो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। जब आपके मूलभूत अधिकार को छीना जाएगा या सरकार उसके अनुसार काम नहीं करती है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, मैं सीधा चलेंगे। और सीधा जाकर क्या कहने के अधिकार थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि सरकार अपनी काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकृत करे सरकार की काम करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये तो सैंक्शन नहीं दे रहा है, मुझे तो ये राजा को केस करना है, इसके ऊपर सैंक्शन बिना नहीं कर सकते, आप सैंक्शन दीजिए। तो हमारे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को नोटिस भेजा, बताओ क्यों नहीं जवाब दिया। प्रधानमंत्री को अभी तक इतिहास में किसी कोर्ट ने नहीं दिया, और मुझे दे दिया चाहो तुम फाइल कर सकते हो। तो मैं फिर आया, वो जो नीचे का कोर्ट है ट्रायल कोर्ट उसको कहते हैं, सेशंस जज के सामने, उसके सामने आकर मैंने फाइल किया केस। और जब मैंने राजा की केस फाइल की और वो अदर जेल भेजा गया तो मैंने देखा कि ये इसकी मीटिंग कई बार खड़ी मुड़ी के साथ हो रही है, कभी 6 बजे शाम के बाद भी। तो मैंने देखे क्या रहस्य है इसकी बात, तो देखा कि वो उनका जो टेलीविजन में वो डायरेक्टर है कलेजियट टीवी, उसमें खूब पैसा आ रहा है। तो फिर मैंने जांच की और खड़ी मुड़ी भी अंदर चले गई। फिर देखा कि एक एस्टेल था, उसको लाइसेंस मिली थी और दयानी मारन ने जाने के पहले, इस्तीफा देकर जाने के पहले, उसने इस एस्टेल को बाध्य किया कि वो अपना लाइसेंस को एक एलटीटी का कंपनी है मलेशिया में अनंत कृष्ण के नाम पर, मैक्सिस जिसको एयरसेल के नाम पर आज चल रही है, उसको मजबूर किया बेचने के, उसके ऊपर भी केस, वो भी कभी भी अंदर जा सकता है। फिर अब चिदंबरम की भी बारी आने वाली है, मैं बताऊंगा कैसा मुझे इस बीच में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ तिहार जेल ने एक मैसेज भेजा है मेरे मित्र के जरिए, अरे स्वामी को बोलो मद्रासी इतना ना भेजें अंदर। क्योंकि जेल का बावर्ची कहता है मुझे मसाला डोसा इडली नहीं आता, ये यही मांगते। मैंने कहा वो जेल के बावर्ची को कहो इंतजार करो, अभी इटालियन भेजूंगा फिर पिज्जा। तो मैंने खोजा कि ये चिदंबरम का क्या है, पता है सारे फाइल्स गायब, मंत्री के पास जो भी फाइल्स है सब गायब, जो भी मैं आरटीआई फाइल करता था कहते हैं फाइल नॉट अवेलेबल। फिर मुझे याद आया जब मैं मिनिस्टर था दो फाइल्स होते थे, एक का नाम था नोट फाइल, दूसरे का नाम था करंट फाइल। मंत्रियों को सिर्फ करंट फाइल दिखाते थे किसमें दस्तखत करना है और कौन सी नोट आई है दूसरे मंत्री से या दूसरे डिपार्टमेंट से, यही होता था। लेकिन जो नोट फाइल था जो मंत्री के पास नहीं होता था,
वो सिविल सर्वेंट्स के पास होते, उसका नाम उसमें सब कुछ था, प्रपोजल था, ये था, एक कॉपी था जो मंत्री ने दस्तखत की, उसकी भी कॉपी होती थी उसमें, सब मैंने किया। मैंने कहा कि फिर उसी को मैं ढूंढूंगा और किसी को बताए बिना, मेरे मित्र तो बहुत हैं दिल्ली में, और उन्होंने मुझे फाइल एक कॉपी दिलवाया और उस फाइल में देखा कि श्रीमान चिदंबरम चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि राजा दाम अकेला तय नहीं कर सकता है, 2003 का कैबिनेट रेजोल्यूशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर के बिना नहीं कर सकता है, दोनों को करना है। और प्रधानमंत्री को कहता है कि मैं आपको कहने चाहता हूं कि जो राजा ने तय किया है 2001 का दाम वो सही है, और उसने उस चिट्ठी में लिखा है। राजा को भी चिट्ठी लिखता है तो प्रधानमंत्री से आगे अकेला नहीं जा सकते हो, मैं और तुम दोनों मिलकर के ही जाना पड़ेगा। फिर उसे ऑफिसर्स के साथ उसकी मीटिंग्स होते हैं, उसका मिनट्स मिल गए मुझे, उसमें चिदंबरम साहब उसको बोलता है। एक जगह में राजा कहता है कि ये जो लाइसेंस बेचने जाते हैं ये लोग, ये कंपनी स्वान और यूनिटेक, इसके लिए तो 3 साल के लिए प्रतिबंध है, लॉक इन पीरियड इसको कहते हैं, कि जब तक 3 साल नहीं हो जाएंगे आप सारी लाइसेंस को नहीं बेच सकते। और फिर राजा लिखता है कि चिदंबरम ने मुझे समझाया कि हाँ लाइसेंस को तो नहीं बेच सकते पर तो कंपनी को बेच सकते हैं, और उसके साथ लाइसेंस चले जाए तो हम क्या करें। वकील है ना, जो चोर वकील होता है तो सबसे डेंजरस होता है। फीस आ रहे हैं, चिट्ठियां हैं जहां प्रधानमंत्री को जाकर ये अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री बेचारे वो भी अपनी सफाई में एक दिन राज्यसभा में कह दी, मैं क्या करूं, अधिकृत थे चिदंबरम और राजा दोनों आकर के मुझे बताए कि 2000 की दाम तय करना है, हम चुप हो गए। इनके हाल वही है जो भीष्माचार्य के थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण देख रहे थे। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, ये युद्ध में उनके साथ जाएगा तो इसको वध करना है, तब तक इसको मर्यादा दे सकते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री सोनिया का साथ देंगे उस दिन इसको भी हटा देंगे, इसको रहने नहीं देंगे। अभी तो दबता है बट दिल से नहीं है। मैंने अपने जो सपोर्ट ने मुझे कहा कि देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लाए हैं, बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, परंतु इसका पुष्टि करवा दो कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। आप तो फोटोस्टैट लेकर आए हैं, इस बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सब ठप्पा लगा दिए, कल ही किया मैंने। अब बाकी क्या है, 21 तारीख को मैं बहस करूंगा कि देखिए डॉक्यूमेंट ए बी सी डी इसके अनुसार चिदंबरम और राजा दोनों ने मिलकर तय किया, यदि राजा अंदर है चिदंबरम को भी अंदर होना चाहिए। तो मिस्टर बोरी बांध ने जल्दी चिदंबरम को जाना पड़ेगा। यूनिटेक का मालिक कौन है असली, रॉबर्ट बट्रा, उसका भी बारी आई है। और आखिर में बट्रा आने के बाद वो सब बोल देगा, मेरा मुझे पता है। वो आज तो दामाद है सोनिया गांधी के, कल होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, गड़बड़ चल रहा है। तो ये है इन सब चीजों को आज के कानून में हम कर पाए, क्यों हमारे देश में आज भी लोग हैं जो सास कर सकते हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं। अब वो ये भी देखते हैं कि जो सामने आया याचिकाकर्ता ये कहीं बिकना न चाहे, कि हम आधा काम करेंगे फिर वो सौदा करके चले जाएं, ऐसे बहुत होते हैं हमारी कोर्ट में। yes. और मेरे बारे इतना है कि एक बार पीछे पड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं छोड़ूंगा नहीं सब। इतना भयंकर, अब ये पैसा काम गया है, ये पैसा बड़ी मात्रा में ये विदेशों में
बीमा किया गया है स्विट्जरलैंड में, मकाओ में, केमेन आइलैंड में, गुप्त रूप में नंबर्ड अकाउंट्स। स्विट्जरलैंड का नियम है कि आप पैसा जमा करोगे नंबर्ड अकाउंट में तो आपको 2% बैंक को देना पड़ेगा, ब्याज नहीं देंगे वो, पैसा रखने की कृपा के लिए वो आपसे चार्ज करेंगे 2%। और फिर स्विट्जरलैंड आपका पैसा लेकर के जाकर अमेरिकन के बैंक बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, 4% मिलेगी। तो स्विट्जरलैंड को 6% हमारी देश की पैसे पर ही मिल जाती है कोई काम करे बिना, इसीलिए कोई टैक्स ही नहीं है स्विट्जरलैंड में, टैक्स की जरूरत ही नहीं है, ये मूर्ख हिंदुस्तानी पैसा देते रहेगा। 70 लाख करोड़ रुपए हमारी देश की पैसे आज विदेशी बैंक में। अब देखिए इतना ये सारा पैसा आ जाए या ये 2G का ही पैसा आ जाए तो फिर आने वाले 5 साल के बजट में 1 रुपए के टैक्स जाने की जरूरत नहीं है। और पेट्रोल में टैक्स हटा देंगे तो आपको तो 25 रुपए में टैक्स पेट्रोल मिलेगी प्रति लीटर। कर सकते हैं, मोरारजी देसाई ने एक बात किया था, आए थे इधर सारे दाम मिल गए थे तो लोग पूछे क्या कर, कैसे कर दिया, उन्होंने टैक्स हटा दिया था। आपको पता है चीनी 2 रुपए में मिलता था किलो। तो इसीलिए हमारे देश में आज महंगाई कम कर सकते हैं। ये जो पैसा है इसकी जो असर है आपको समझना चाहिए, इतनी बहु आयाम असर है हमारी इकोनॉमी में। ये पैसा है इसको विदेश भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, हवाला के जरिए। हवाला कौन होता है, जो दुबई में कनेक्शन है वो यहां से टेलीफोन करेगा दुबई को और दुबई फिर उसको डॉलर की इक्विवेलेंट जमा कर देगा, रुपए यही रहेगा। और कोई वहां से लाने चाहेगा तो उस वो रुपए का इस्तेमाल होगा। और ये सारे हवाला एजेंट्स जो हैं ये क्योंकि दुबई से काम करना है सब पाकिस्तान की सलाम करते हैं, ISI की सलाम करते हैं। इसीलिए आज हमारे देश में कौन सी मिनिस्टर की कितनी पैसा कौन सी बैंक में है ये पाकिस्तान को पता है, पूरा पता है। तो कैसा हिम्मत करेंगे अफसर गुरु को फांसी देने के लिए बोलने के लिए, कहीं बाहर निकल जाएगा अकाउंट तो मेरे क्या होगा, यही सोचेंगे। आज पाकिस्तान हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को ब्लैकमेल करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान हमें मारते रहता है, उनके आतंकवादियों को भेजते हैं, बम्बई उड़ाते रहे, जवेरी बाजार क्या किसका किसको नुकसान किया जवेरी बाजार ने, मासूम लोग हैं उनको 2 बार 3 बार उड़ा दिया बम से और हम कुछ नहीं करते, शांति शांति शांति। इकामन कैंप्स हैं पाकिस्तान में जहां ये सारे आतंकवादी तैयार होते हैं, एयरफोर्स भेज करके बम करो उसको, ये कर सकते हिम्मत नहीं। यही मैंने लेख में लिखा था और हार्वर्ड में लोग बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, क्योंकि उनको सऊदी अरेबिया का ग्रांट मिलती है $20 मिलियन, तो उन्होंने कहा कि ये सऊदी अरेबिया ने कहा हम कैंसिल कर देंगे, ये ऐसा आदमी है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो जाने दो मुझे क्या है, मैं तो उनके आग्रह पर जाता था, अब तो मैं 12 महीने यहां राजनीति करूंगा और सिर दर्द पैदा करूंगा। तो यह आज हमारे देश पाकिस्तान के साथ सख्त रवाई नहीं ले सकती, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं रह सकती है, कसाब को चिकन तंदूरी देते रहेगी क्योंकि डरते हैं कहीं पाकिस्तान नाराजगी में बाहर निकाल दे। ये तो क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान तो युद्ध करेगा आपसे, मैं बता रहा हूं, आप लोग यहां बैठे हैं तो आपके ऊपर पहला असर पड़ेगा, मन आपके मन तैयार करिए, क्योंकि पाकिस्तान की कब्जे जाएगी तालिबान के हाथ। और तालिबान क्या कहती है, कहती है कि हिंदुस्तान हमारी इस्लाम की अधूरा इतिहास है। क्यों अधूरा है, क्योंकि मुसलमान गए ईरान में, वहां पारसी लोग जो आजकल यहां नवसारी और बंबई और पुणे में रहते हैं वो थे जरूरत अग्नि पुजारी लोग, उन्होंने पूरा देश का कब्जा किया, 15 साल में मार काट जो दमन करना था करके उनको 100% मुसलमान बनाया ईरान को 15 साल में। बगल में मेसोपोटामिया बेबीलोन
उसका कब्जा किया जो आज की इराक है, उसको 17 साल में 100% मुसलमान बनाया। फिर इजिप्ट गए, मिशन जिसको कहते हैं हम, इजिप्ट में उन्होंने 21 साल में 100% मुसलमान बना दिए। क्रिश्चियन गए थे यूरोप, 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दिए। और यहां 800 साल मुसलमान की राज और 200 साल क्रिश्चियन की राज अंग्रेजों के जरिए, और हम अभी भी 83% हिंदू है, अधूरा तो हो गया। क्योंकि हम लड़ते रहे, हम लड़ने का तरीका वो सभ्य तरीका था, इसका फायदा उन्होंने उठाया जो बाहर से आए। हम सीखते सीखते उस तक अंग्रेज आ गया, उसने हमारी बुद्धि को बदल दी। हमारी शिष्टाचार ये थी कि युद्ध होगा तो सूरज का उदय होने के बाद ही शुरू होगा, और अस्त आने के बाद तंबू में वापस जाकर सोना था। दूसरा है कि खेत में नहीं होगा लड़ाई, नगर में जहां लोग रहते हैं वहां नहीं होगा लड़ाई, लड़ाई होगी सिर्फ खुला मैदान में जैसे कुरुक्षेत्र। रावण जब युद्ध किया राम से, माल किला छोड़ के आया था बाहर। और तीसरा हारने के बाद माफी मांग ले तो सब लौटा दे, और उनको प्रतिष्ठा के साथ उनको विदेश भेज देंगे और वापस भेज देंगे। इसलिए गोरी आएगा नहीं, मोहम्मद गोरी कितना बार आया, 16 बार, और हर बार पृथ्वीराज चौहान माफ करते गया उसको। एक बार मैं समझ सकता हूं, परंतु 16 बार, ये हमारी शिष्टाचार थी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपसे कि आगे आप किसी को माफ नहीं करना चाहिए, अब तो एक बार भी नहीं माफ करना चाहिए, आतंकवादियों को एक बार भी नहीं माफ करना चाहिए। सो मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों के लिए ये, हम अच्छे रहें, शिष्टाचार के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ मित्रता की बात करें, शांति की बात करें। जब तालिबान आएगी युद्ध होगा, उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए, और उस समय ऐसी जवाब देनी चाहिए कि उसके बाद कोई पाकिस्तानी ना रहे, खत्म ही हो जाए, ऐसा हमें। लेकिन ऐसे लोग पावर में रहे तो हम कैसे लड़ सकते हैं? तो ये एक पहला असर है, हमारे देश की जो प्रभु सत्ता है उसकी रक्षा करने वाले दुर्बल हो गए भ्रष्टाचार में। दूसरा है ये जो पैसा है विदेश जाती है। चिदंबरम साहब ने एक नया नमूना बनाया है, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, वो है पार्टिसिपेटरी नोट। तारापुरी कमेटी, रिजर्व बैंक सबने कहा ये गलत है, परंतु उसने कर दिया। क्या है, आपके पास कैश है, विदेश में आपको कैश मिल गई, उस कैश को लेकर जाकर मॉर्गन स्टैनली या यूएस फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, उनके जाकर उनके काउंटर में इस कैश को रखिए और पासपोर्ट दिखाइए हिंदुस्तान की, और फिर वो आपको एक पर्चा देंगे, उसमें सिर्फ अमाउंट लिखी होगी और कुछ नहीं, कितना पैसा आपने जमा किया, नाम नहीं होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको लेकर आप हिंदुस्तान आइए, रिजर्व बैंक को एक कॉपी दीजिए, और फिर रिजर्व बैंक आपको चिट देगी कि इसको आप हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जाकर उसको स्टॉक मार्केट में लगाइए, करोड़ रुपए आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, जब बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो बेच देते हैं, और जो रुपए मिलती है उसको लेकर के रिजर्व बैंक में जाकर कहते हैं हमने पार्टिसिपेटरी नोट में इसको कमाया। तो रिजर्व बैंक अनिवार्य देना होगा आपको डॉलर, वो डॉलर दे देते हैं, वो डॉलर को विदेश ले जाओ। इसीलिए हम आज हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है, हमारी मिडिल क्लास की हालत खराब है आज स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट आज हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये सारे ये जो पार्टिसिपेटरी नोट है उसके कारण है। और जब भी जाए पार्टिसिपेटरी नोट बाहर निकल सकती है तो कभी भी क्राइसिस बना सकती है आपके देश में, स्टॉक मार्केट को कभी भी क्रैश करा सकते हैं हमारे देश में। आज चिदंबरम साहब ने ये सोचा कि एक प्रॉब्लम है कि ये जो स्टॉक ऊपर स्टॉक जाती है और बेचते हैं तो वो जो मुनाफा कमाते हैं उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगती है 30%। तो ये उन्होंने कहा ये तो अन्याय है, तो उन्होंने कहा फिर इसके लिए जो भी पार्टिसिपेटरी नोट मॉरिशस से आएगा वहां $1 पर आप कंपनी उत्पादन कर सकते हैं,
इन्हें खड़ा कर सकते हैं। उस कंपनी के जरिए आप आकर यहां इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो फिर कैपिटल गेन्स टैक्स कितना? जीरो। क्योंकि बेचारा मॉरिशस है, वहां से आ रहा है, छोटा देश है, हमारे अप्रवासी भारतीय रहते हैं वहां। और आज हमारे देश में विदेश से पैसा जो आती है वो मॉरिशस से सबसे ज्यादा है, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। छोटा सा देश जहां सिर्फ गैम्बलिंग कैसीनोज और बीचेस हैं, वो कैसे इतना पैसा ला सकता है? ये सब आपका पैसा है जो पहले कमा नहीं सकते थे, 2% देना पड़ता था, आज 25% 30% स्टॉक मार्केट में कमा रहे हैं या रियल एस्टेट में लगा रहे हैं। रियल एस्टेट के दाम ऊपर जाते जा रहे हैं, आज तो 25 लाख में फ्लैट भी नहीं मिल सकती मुंबई में। फिर ये जो पैसा बाकी विदेश ने भेजा यहां रखिए, उसको क्या करते हैं? आज क्योंकि नया कानून बन गया है कि आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, उसको ले जाते हैं बाजार में, थोक बाजार में, और खरीदते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। शॉर्टेज होती है, दाम ऊपर बढ़ती है, आज दाम कम हुई है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाल दिया, और सरकार के पास हिम्मत नहीं है रेड करने के लिए ये जमाखोरी के ऊपर, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। इसीलिए हमारी एग्रीकल्चर प्राइस ऐसे हो रही है, बढ़ते जा रही है। जब हमारी ग्रोथ रेट 9% है, 8% है, यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट 8-9% है, इसके माने आपकी सप्लाई भी बढ़ रहे हैं, उत्पादन बढ़ रही है और दाम भी बढ़ रही है। हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे तब तो कहते थे कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम घटेगी, परंतु तो यहां हिंदुस्तान में इकोनॉमिक्स को भी उल्टा कर दिया हमने। और एक और ये पैसा को हम कहां लगा सकते हैं? फैक्ट्री तो नहीं बना सकते, इनकम टैक्स वाले कम करेंगे, तो इसीलिए उसको विलासी वस्तुओं पर खर्च करते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, एक एक कमरे में एयर कंडीशनर, बाथरूम में भी एयर कंडीशनर, दुनिया भर के एयर। ये सारी इंडस्ट्रीज को इतनी बड़ी डिमांड मिलती है इन लोगों से कि उनके रेट ऑफ प्रॉफिट आज 3 गुना 4 गुना जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन होते हैं, जैसे कपड़े होता है, यह आम जनता के लिए, उनके इंडस्ट्री के तुलना में तो 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलती है। तो सारा इंडस्ट्री से, ये आवश्यक वस्तुओं की इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट आजकल निकल रही है और विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। 70% हमारे देश की इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री में जा रही है। गरीब देश के लिए ठीक नहीं है, ये सब डिस्टॉर्शन जो हो रही है, जो उतर पतर हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि क्या है भ्रष्टाचार में, पैसा देते हैं जल्दी काम हो जाती है, ये हमारे उनके बीच में है, कोई मिनिस्टर थोड़ा इलेक्शन पर निकल जाए तो क्या हर्जा है। नहीं नहीं, ये सारा पैसा आखिर में आपको बहुआयाम दृष्टि से आपकी हालत खराब करेगी, और इसीलिए भ्रष्टाचार का सख्त विरोध करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि आज ये सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। कैसा कदम? भ्रष्टाचार हमारे देश से मिट सकता है, मिट सकता है, कई अल्पकालीन के उपाय हैं, कई दीर्घकालीन के हैं। अल्पकालीन में जैसे एक जमाने में बड़ा भ्रष्टाचार होता था टिकट खरीदने में, रेलवे रिजर्वेशन, आज कंप्यूटराइजेशन होने के कारण न्यूनतम हो गए। पहले कोई डॉक्यूमेंट लेना तो आपको दफ्तर जाना पड़ता था, चपरासी को थोड़ा पैसा, बाबू को थोड़ा पैसा, अब कई चीजों को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे यंत्रों से या कानून की सरलीकरण करके हम भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। दूसरा है कि सख्त सजा दो, पकड़ने में टाइम लग सकते हैं, पकड़े ना जाए ये भी हो सकता है, परंतु जब पकड़ लिया तो फिर उसको रगड़ दो। अमेरिका में 7 जनवरी 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नाम क्या किसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्नार्ड मेडॉफ, उसका एक पॉन्जी स्कीम उसको कहते हैं। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाप किया है,
लोगों का पेंशन फंड्स को मैंने चोरी किए झूठे अकाउंट्स पैदा करके आज मैं भुगत रहा हूं और मैं सजा जो भी सजा मुझे समाज देने उसके लिए तैयार और उसको अमेरिकन्स ने अंदर डाला छह महीने के अंदर 150 साल की दंड दी अनेक चार्जेस में जोड़ जोड़ के 150 साल हो गया उसी समय 7 जनवरी को 2008 को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चली कौन कर रहा था सत्यम का रामलिंग राजू उसने भी यही कहा मैंने मेरे कंपनी अकाउंट्स को हेर फेर करके मैंने 7,500 करोड़ रुपए मेरी जेब में डाल दिए अब मुझे बुरा लगता है तो जो सजा देना दे अब कितने साल होंगे 3 साल उससे ज्यादा हो गए या 3 साल आज 3 साल हो गए 3 साल से 1 दिन ज्यादा हो गए नहीं 3 साल नहीं 4 साल हो गए और 4 साल के बाद क्या हालत है रामलिंग राजू का वो एयर कंडीशन कमरे में घर में बैठे हैं बेल पर और कुछ नहीं हुआ है मैं वो केस लेता तो अभी तक उसकी हालत खराब हो जाती पर तो 2G में तो जितने तेजी से हुई है वो इसीलिए हुई है कि लोगों ने दिलचस्पी दिया है CBI पर छोड़ देते तो नहीं करते आस्ते आस्ते जाते घर हम मजबूरन है CBI जब तक सरकार के नीचे है ऐसे ही होगा मैं नहीं चाहता हूं कि वो लोकपाल के नीचे आए मैं चाहता हूं उसके एक अलग से एक्ट बने और वो स्वायत्त हो जाए CBI में अच्छे लोग हैं तो इसलिए उनको स्वायत्ता मिलेगी तो कुछ हो सकता है तो मैं ये कहता हूं कि जिसको पकड़ेंगे अमेरिका में एक मार्था स्टुअर्ट थी बड़े समाज में प्रतिष्ठित लेकिन एक छोटी बात पर इनसाइडर ट्रेनिंग उसको कई जानकारी मिली एक पार्टी में गई थी तो किसी ने कहा कि ये जो स्टॉक है ये बेचा जाएगा तो बताया था कि दाम गिरी उसने अपने स्टॉक ब्रोकर को कहा कि अभी बेच दो मेरे स्टॉक वो टेलीफोन में पता लग गया पुलिस को यानी FBI को उन्होंने अंदर कर दिया उसको 6 महीने के लिए ट्रायल हमारे यहां से मेरा पुराना स्टूडेंट था IIT में गुप्ता क्या वो अभी पकड़ा गया था न्यूयॉर्क संजय गुप्ता नहीं रजत गुप्ता खरे रजत गुप्ता मेरा स्टूडेंट था IIT में बड़ा विषय ब्राइट स्टूडेंट था उसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए मैं रिकमेंडेशन भी दी थी वहां का चतुर्थ पढ़ के बहुत चमका और एक उसने जाकर टेलीफोन में राजरत्नम जो LTT का आदमी था उसके साथ बात की कि ऐसा ऐसा होने वाला है ऐसे ऐसे होने वाला है इनसाइड ट्रेडिंग में आज उसको पकड़ लिया राजनाथ को तो 11 साल अंदर कर दिया ऐसा होना चाहिए हमारे देश में चंद लोगों को ही पकड़े बट पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए सजा देने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए मैं तो ये देख रहा हूं कि साल अंत तक राजा कन्नीमोड़ी सेठों का लोग ये सब चिदम्बरम को तो लंबा के लिए करना है उसने सिर्फ दो एक तो वह यह है कि वो होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर माने चोर पकड़ने का मिनिस्टर और खुद चोर है ये तो बड़ा धोखा हुआ तो इसलिए उसके लिए तो ज्यादा सजा होनी चाहिए दो चार्जेज राजा पर हैं कि दाम कम किया आपने 2000 दाम का एक दाम तय करके बड़ी लॉस की हमारे देश के लिए दूसरा है कि तुमने इनको लाइसेंस खरीदने के बाद इसमें निकालना है विदेशी में लिखा है आपको मेरी क्वेश्चन है ये दोनों चिदंबरम पर लागू होती है एक तीसरा है होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली थी जो चिदंबरम को पता था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था तभी पता था कि हमारे देश में दो कंपनी घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं एक का नाम है एटीसलाट और दूसरे के नाम है टेलीनॉर एटीसलाट पाकिस्तान की ISI से प्रभावित कंपनी है इसको नहीं आने देना वो यहां हिंदुस्तान में अंदर आएंगे टावर लगाने के नाम पर इक्विपमेंट लाने के तहत में ISI लोगों को भर देंगे हमारे देश में और एटीसलाट का जो इंडिया एजेंट है जो आपका गुजरात से ही पालनपुर से है शहीद बलवास
वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन है, ये ह्यूमिलिटी की रिपोर्ट में, और इसीलिए कतई इनको कोई बिजनेस नहीं देना चाहिए। और दूसरा टेलीनॉर, ये नॉर्वेजियन कंपनी है परंतु इसकी इक्विपमेंट चाइनीज मिलिट्री से है, और ये चाइनीज मिलिट्री से इक्विपमेंट जो है ये साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है, टेलीकॉम भी कर सकती है, साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है। आप टावर लगाओगे हिंदुस्तान और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाए तो वो आपके सारे डिफेंस के कंप्यूटर्स को फेल कर देंगे, वो ताकत है उसमें मिनिस्टर, तो इसको भी नहीं आने देना। दोनों को आने दिया चिदंबरम ने, प्रधानमंत्री को नहीं बताया और उसने राजा को भी नहीं बताया, तो इसीलिए उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो हमारे देश में पकड़ के अंदर भेजना, इससे एक वातावरण बनेगी, लोग डरेंगे, कहेंगे बाप रे बाप हमें नहीं करना चाहिए। एक और यह है, परंतु मैं कहता हूं जो प्राचीन काल में हमारी की शुद्धता थी उसके पीछे ये नहीं था कि हम पकड़ के अंदर करते थे, सिर्फ ये नहीं था, एक संस्कृति थी। वो संस्कृति थी कि पैसे के आधार पर समाज में किसी की प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये बात मुझे पहले जजा जब मुझे, मैं स्टूडेंट बन के हार्वर्ड गया पीएचडी लेने के लिए, तो मेरे क्लासमेट ने पूछा ये बताओ बुरा नहीं लगे कि आप लोग महात्मा गांधी के पीछे कैसे चले गए। मैंने कहा क्यों, वो तो आधा नंगा है, ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता है। तो मैंने कहा आपके देश के नेता, कहते वो तो बड़े सूट बूट है, चमका हुआ जूता, उसके कपड़े उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसके भाषण है। आपके धर्मगुरु के बारे में मैंने पूछा उनको, कहा देखो पोप डायमंड सैफायर रूबी सबके माला पहन के सिल्क गाउन में। फिर मैंने सोचा हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य सब तो भगवा पहन के घूमते हैं, बड़ी साधारण कपड़ा। तो मैंने सोचने लगा ये क्या बात है, तो देखा यही पुरानी कल्पना थी वर्ण व्यवस्था में जो आज बिगड़ गई है क्योंकि जन्म से जुड़ गई है। वर्ण व्यवस्था कभी जन्म से नहीं जुड़ा था, कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में ये गुण से है। ऋषि भृगु ने ऋषि भारद्वाज को कहा था कि समाज स्थिर तभी होगी जब सत्ता के विकेंद्रीकरण होती है, और उन्होंने कहा कि सत्ता के चार आयाम है, ज्ञान, दूसरा शस्त्र, तीसरा धन, चौथा जमीन यानी भूमि। इन चारों को बांट दो कि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास शस्त्र नहीं होगा, धन नहीं होगा, उसके पास भूमि नहीं होगा, और उसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और उसको ब्राह्मण कहेंगे। और ये ब्राह्मण घर में पैदा हुआ इसीलिए ब्राह्मण नहीं, किसी भी वर्ण में पैदा हो बन सकता है महर्षि। वेद व्यासा मछुआरा, उसकी मां मछुआरा थी, बन गया मां, उसने उस ऋषि ने महाभारत लिखी, महर्षि बने। वाल्मीकि दलित परिवार में पैदा हुए, महर्षि बने, रामायण लिखी। कालिदास शिकार करते थे, यानी वो लकड़ी काटते थे पेड़ में बैठ के, पर जो शिकार के परिवार से थे, शिकार करने वाली हंटर फैमिली से, और वो बन गए महर्षि, कवियों की कवि। विश्वामित्र जो ऋषियों के ऋषि माना जाते हैं, उनके मां बाप क्षत्रिय थे, और ये कभी नहीं था कि ब्राह्मण कोई भी अपराध कर ले माफ हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं था। रावण ब्राह्मण था, बहुत कम लोग जानते हैं, करना नहीं थी, नहीं जानता था, और इसीलिए वो रावण लीला मनाता था कि ये राम जो है उत्तर भारत से आया है, आर्यन है, और ये हमारा द्राविड है, और उस बिचारे को उन्होंने वध किया, तो रावण लीला मनाते थे। ये मूर्ख करुणानिधि को ये नहीं पता था कि रावण पैदा हुआ था दिल्ली के परिसर के पार, नोएडा एक जगह है वहां पैदा, और मंदोदरी मेरठ में पैदा हुई थी। ये रावण को ईर्ष्या हो गई कुबेर पर कि श्रीलंका में उसने स्वर्ग पैदा किया, इसीलिए वो आकर उसने श्रीलंका में आक्रमण करके वहीं बस गया।
वैसे लक्ष्मण ने भी राम को कहा जीतने के बाद।